स्पोर्ट्स के दौर में गोल्फ जैसे फील्ड में हर कोई आना चाहता है, क्योंकि गोल्फ है ही ऐसा स्पोर्ट्स काफी इंटरेस्टिंग। आज आपको ऐसे यंग और प्रोफेशनल गोल्फर से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे उनकी लाइफ और उनकी जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ है गोल्फर अंगद सीमा। अंगद, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू। सबसे पहले आपकी गोल्फ की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग रही है। आपने बैक टू बैक टूर्नामेंट जीते हैं, 5 एमेच्योर टूर्नामेंट, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अंगद गोल्फ फील्ड में? मेरे को एक्चुअली काफी टाइम हो गया गोल्फ खेलते हुए। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाकी गोल्फ स्पोर्ट ही ऐसा है कि आपको हर दिन, चाहे आप कितने भी अच्छे हो जाओ चाहे कितने भी खराब हो, आपको हर दिन नया कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर गोल्फ स्पोर्ट बहुत अच्छा है जिसमें आप बोर नहीं हो सकते कभी। तो 2003 से स्टार्ट किया था आपने वेलिंगटन, हाँ जी, 2003 में वो मैंने चीज पहली बार गोल्फ स्टार्ट कितनी किया था। वो चीज कितनी खास रही आपके लिए एज अ गोल्फर? कौन सी चीज, सॉरी? वो एक्सपीरियंस कितना खास रहा आपके लिए, वो चीज कितनी मैटर करती है लाइफ में कि 2003 से आपने स्टार्ट किया, अभी 2020 चल रहा है, काफी टाइम हो गया आपको काफी गोल्फ टाइम की हो फील्ड गया पे। मेरे को, ऑलमोस्ट 16 17 हो जाएंगे इस साल, 17 इयर्स हो जाएंगे जब मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी। तो टाइम तो ऑब्वियसली काफी हो गया, काफी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। पहले जब मैं गोल्फ स्टार्ट की थी, मैं जालंधर में स्टार्ट की थी। तो फिर मिस्टर जैसी गरेवाली थे, मैं उनके पास पहली बार कोचिंग लेने आया था इन 2004 एंड आई थिंक या 5 बिगनिंग, मुझे याद नहीं। तो आई थिंक 4 में, हाँ जी। तो बस जर्नी बहुत अच्छी रही है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत सारे दोस्त बनाए हैं ऑन टूर, जो मतलब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए इवन ऑफ द गोल्फ कोर्स। तो इट्स वेरी नाइस, मतलब काफी साल हो गया अब खेलते हुए, काफी एक्सपीरियंस हो गया। अब चाहे अब लाइक मैं वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स हो गया ऑन टूर, तो इट्स वेरी गुड टू ऑल्सो सी कि बाकी जो सारे नए लोग हैं, जो बच्चे आजकल अच्छा कर रहे हैं टूर पे, उनको अगर आप कोई हेल्प कर सकते हो एंड उनके साथ कम्पीट करना, बहुत अच्छा है। अंगद, गोल्फ में आपको कोई आइडल जिसको आप फॉलो करते हो? आइडल मेरे ऑनेस्टली काफी सारे हैं, ऐसे कोई एक तो ओके। है नहीं, क्योंकि हर एक अलग बंदे से मतलब अलग चीज आप ग्रास्प कर सकते हो। तो जैसे टाइगर वुड्स, ऑब्वियसली उसका वर्क कहते हैं एंड उसकी मेंटालिटी एंड ये सब, बहुत हर एक बंदा ऑलमोस्ट उसको फोकस करता है। फिर जैसे मिस्टर जी मिल्खा है, उनको देख के उनका हार्ड वर्क, उनकी डेडिकेशन। फिर शुभांकर जैसा जो मेरे से भी छोटा है, उसको देखो, उसकी डेडिकेशन एंड उसकी मेंटालिटी बहुत अच्छी है एंड उसका फोकस। देन अनिर्बान, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे अलग अलग चीजें आप पिकअप कर सकते हो। अच्छा, इतने सारे स्पोर्ट्स है, आपने गोल्फ को ही क्यों चुना? गोल्फ ही क्यों, आप कोई और स्पोर्ट्स भी चूज कर सकते थे, क्रिकेट या कुछ और? मैं जरूर कर सकता था, मैं काफी ठीक ठाक या अच्छा ही था उन स्पोर्ट्स में भी। जैसे बैडमिंटन भी मैं खेला हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर मैं चेस भी खेला हूँ, फिर मैं क्रिकेट वगैरह मैं इतना कोई लेवल पे नहीं खेला, बट मैं स्कूल वगैरह के लिए और बास्केटबॉल स्कूल के लिए खेला, वॉलीबॉल स्कूल के लिए खेला था। तो पिकअप मैं ऑनेस्टली कोई भी स्पोर्ट कर सकता था, बट बस गोल्फ ऐसा हुआ कि जब एक बार गोल्फ शुरू होगी तो फिर उसके अंदर, जब मेनली मेरा आई थिंक एक रीजन जो सिर्फ गोल्फ मैंने क्यों चूज की, इट्स बिकॉज कॉम्पिटिशन आप इजिली घुस सकते थे। लाइक अगर मैं किसी कॉम्पिटिशन में एंटर करना चाहता था तो मेरे को सिर्फ अपनी एंट्री भेजनी थी एंड एंट्री फी पे करके मैं खेल सकता था। बाकी सब जैसे क्रिकेट, जैसे पहले आपको उस पे अपने किसी स्टेडियम में जाके, किसी जो भी इनके अलग अलग मैनेजमेंट्स होते हैं वहां पे जाके क्वालिफाई करो, फिर अलग। तो इवन तो मेरे को था कि मैं उनसे बेटर हूँ, मैं प्रॉपरली अपने आप को जज नहीं कर पाया। तो फिर गोल्फ में कंपटीशन ने बहुत हेल्प किया। तो बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए गोल्फ की फील्ड में, और एज अ गोल्फर गोल्फ जैसी स्पोर्ट्स में कोई बदलाव देखा आपने ट्रेंड वाइज? ट्रेंड वाइज बदलाव, यस, बहुत यंग लोग खेलने लग गए हैं गोल्फ, बहुत अच्छा खेलने लग गए एंड सबकी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि कोई अब ऐसे नहीं खेलता कि वो उसको हम हरा नहीं सकते। चाहे आप कोई यंग से यंग भी प्लेयर देख लो जो टूर पे आए हैं,
उनको यही होता है कि, और वो हमेशा हर गेम पे ऐसी आते हैं कि वो जानते हैं कि अगर वो अच्छी गोल्फ खेलेंगे वो किसी को भी हरा सकते हैं। पहले ऐसे कभी नहीं होता था, धीरे धीरे तभी वर्ल्ड स्टेज पे हमारे प्लेयर्स बैटर करने लगे क्योंकि उनकी मेंटालिटी चेंज हो गई। हाँ जी, तो आपको कहीं ना कहीं अगर लगता है कि गोल्फ को बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, बाकी स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है चाहे वो क्रिकेट हो या और स्पोर्ट्स हो, तो क्या रीजन है कि गोल्फ को बाकी सिटीज में इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है? और आपके अकॉर्डिंग चंडीगढ़ में कितना क्रेज है गोल्फ का बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले कंपेयर करें तो? पहले अगर कंट्री की बात करें तो क्रिकेट के मुकाबले तो किसी का भी उतना क्रेज नहीं है इस टाइम पे, एंड आई डोंट थिंक हमारी कंट्री में हो भी सकता है। बट डेफिनेटली गोल्फ को ज्यादा इम्पोर्टेंस, ज्यादा कवरेज एक बार मिलने लग जाए, ज्यादा लोग जैसे अब खेलने लग गए तो स्लोली स्लोली इम्प्रूव होएगा। बट मेनली कवरेज होते हैं, जैसे अभी कबड्डी बड़ी बन गई, काफी बड़ी बन गई इंडिया में, और बैडमिंटन लीग भी अच्छी हो गई है, एंड और हॉकी लीग भी है, फुटबॉल लीग भी है। तो इन सब पे जैसे ही मीडिया कवरेज और आ जाती है और जैसे ही टीवी कवरेज आ जाती है हर स्पोर्ट पिकअप हो जाता है। सो हम मेनली पीजीटीआई पे हमारी है टीवी कवरेज बट लाइव कवरेज नहीं है, एंड फॉर्मेट थोड़ा लंबा है, तो ओनली पीपल हु अंडरस्टैंड द गेम वो आते हैं खेलने और वो समझते हैं गेम, वो ही देखते हैं। इट्स ये गेम ऐसी कि इट्स नॉट ईजी कि सेल कर लो लोगों को, बट आई डेफिनेटली थिंक एक बार पीपल लोग समझने लग जाए गेम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड ऑल्सो जब इंटरनेशनली देखेंगे कि इंडियंस अच्छा कर रहे हैं तो और किड्स आएंगे और पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। आपने स्पोर्ट्स में इंटरेस्टिंग क्या फाइंड आउट किया है गोल्फ में? वो गोल्फ ऐसा गेम है कि एक दिन चाहे कितना भी अच्छा खेलो आप अगले दिन ये जाके नहीं बोल सकते कि मेरे को सब कुछ आ गया, क्योंकि आप अगले दिन बहुत खराब राउंड भी खेल सकते हो। आपको हर दिन हर शॉट हर टाइम पे आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अच्छा शॉट मार के अगले ऑलरेडी अगले शॉट के बारे में सोच रहे हो या पिछले खराब शॉट के बारे में सोच रहे हो आप अगले शॉट पे पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इट्स ऑलवेज सबसे इम्पोर्टेंट मोटो है कि लिव इन द प्रेजेंट। तो मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन देखेंगे स्टडी में ज्यादा वो नहीं करते, स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? आप स्टडी में कैसे थे या आपका ज्यादा फोकस गोल्फ की तरफ ही था? मेरा हमेशा से फोकस स्पोर्ट्स की तरफ था, मैं स्टडीज में कभी भी इतना अच्छा नहीं था, मतलब नॉर्मल 60-70-80% आ जाते थे। तो मैं लकीली मेरे घर वालों ने किसने ऐसे फोर्स नहीं किया कि आपको पढ़ाई इतने 80-95% नहीं आएंगे तो आप ये नहीं है मिलेगा ये नहीं होगा, बिकॉज मेरी मदर भी नेशनल बास्केटबॉलर थी अपने टाइम पे, तो उनको भी स्पोर्ट समझ आता है। बाकी यस मुश्किल बहुत होता है स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन साथ में करना, बट बहुत लोग कर भी पाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत नहीं कर पाते, बहुत लोग कर पाते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कर चुके हैं बी कॉम ऑनर्स, जैसे मैंने बी कॉम नॉर्मल किया है, लाइक लोगों ने बी कॉम ऑनर्स की है, मैथ्स ऑनर्स की है, तो कर सकते हो, बट आई नो टफ होता है। एंड आई डोंट थिंक अगर फेयर होएगा कि आप बच्चे को बोलो कि आप 95% भी लाओ और आप गोल्फ में भी या किसी भी स्पोर्ट में आप इतना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है गोल्फ या कोई भी स्पोर्ट, आपको प्रैक्टिस मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप कुछ कर सकते हो, एंड वो तभी आएगी अगर आप टाइम दोगे उसको। तो इट्स आप बैलेंस कर सकते हो दोनों को, बट आपको चूज करना पड़ेगा क्या आपको फोकस ज्यादा किस पर करना है। आपकी लाइफ का बेस्ट टूर्नामेंट कौन सा रहा है गोल्फ का? बेस्ट टूर्नामेंट मेरा माय फर्स्ट प्रोफेशनल विक्ट्री ऑब्वियसली, फिर मेरी ऑल इंडिया चैंपियनशिप, आई थिंक हर टूर्नामेंट जो भी मैं जीता हूँ या पास भी आया हूँ जिसमें मेरे को अच्छा लगा है खेल के, चाहे मैं जीता नहीं हूँ, वो सारे टूर्नामेंट से बहुत स्पेशल है। तो अगर स्ट्रगलिंग पीरियड कितना रहा है इस फील्ड में आपकी लाइफ में? हाँ जी, स्ट्रगलिंग पीरियड कितना रहा है, स्ट्रगल कितना करना पड़ा है, स्टडी कितना करना पड़ा?
जब कितना भी अच्छा खेल रहे हो, आई रिमेम्बर जब मैं पहली बार इवेंट भी जीता था, उस इवेंट के बाद भी मैं जब राउंड के बाद बैठा और मैंने बस ये सोचा कि मैंने खुश में ऑब्वियसली बहुत था, बट मैंने सोचा कि मैंने गलतियां बहुत ज्यादा जगह की और मेरे को ऑनेस्टली लगा नहीं कि मैं इतनी अच्छी गोल्फ खेला कि मैं जीत गया। तो स्ट्रगल और हार्डवर्क और कॉन्स्टेंट वर्क चलते रहता है, ये आप कभी नहीं बोल सकते, वही आप कभी नहीं बोल सकते कि आप मैच जीत गए तो आप अगला मैच जीत जाओगे। आपको फिर भी, जैसे मेरे को एक बार याद है कि मैं शॉन पॉलक जो क्रिकेटर है, मैं उनके साथ गोल्फ खेल रहा था चंडीगढ़ में, और तो मैंने उनसे पूछा कि आप वर्ल्ड नंबर वन बॉलर रह चुके हो, लाइक हाउ डज इट फील टू बी वर्ल्ड नंबर वन, कि आपको पता है कि आपको दुनिया में आपसे बेटर कोई नहीं है इस टाइम में। कहता अच्छा बहुत लगता है, बट आपको ये भी पता है कि अगले दिन उठ के आप अगर उतनी हार्ड वर्क ना करो, उतनी मेहनत ना करो, तो आप वर्ल्ड नंबर वन नहीं रहोगे, कोई और आ जाएगा। तो आपको बेसिकली हर दिन उठ के उतनी मेहनत करो, आप जहाँ पे पहुँचते हो पहुँचो, ऑब्वियसली हार्ड वर्क कर सकते हो आगे पहुँचने के लिए, बट आपको हर दिन उठ के उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपने बताया कि अभी वो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जहाँ आपको डिजर्व करना चाहिए वहाँ नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब आप प्रॉपर से, जैसे क्योंकि एक 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 अंदर भूख रहती है ना कि मैं और खुद को पॉलिश कर पाऊँ, मुझे और ऊपर जाना चाहिए, और इम्प्रूव किया जा सकता है, गोल्फ ऐसा स्पोर्ट है। बहुत रिस्ट्रिक्टिंग, जैसे मैं एशियन टूर को लास्ट ईयर में मेरे को वो टाइफाइड हो गया था, जॉन्डिस हो गया था सॉरी, तो उसकी वजह से मैं मेरा ऑलमोस्ट हाफ ईयर बेकार गया था। फिर उसके बाद मैं लास्ट ईयर क्यू स्कूल नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ, इस साल क्यू स्कूल नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस स्टार्ट हो गया था। तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मैं एशियन टूर पे, यूरोपियन टूर पे खेल रहा हूँ इस टाइम पे, बट मैं इंडियन टूर पे खेल रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई ओन रीजन, और मैं ऑनेस्टली उतनी अच्छी गोल्फ भी नहीं खेल रहा। तो मेरे को डेफिनेटली हार्ड वर्क आउट करना पड़ेगा और जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ उधर पहुँचने के लिए फॉर श्योर। तो लॉकडाउन और कोरोना वायरस का काफी इफेक्ट पड़ा है, मतलब पूरे देश पर ही है, स्पोर्ट्स पे काफी इफेक्ट पड़ा। तो लॉकडाउन खुलने के बाद अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं गोल्फ के लिए, जो टूर्नामेंट्स होंगे इस साल, अगर टूर्नामेंट्स नहीं होते तो काफी लॉस होता है, तो जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्संस हैं। हां जी, तो इस पर अभी ऑनेस्टली हमें पता नहीं कि कब टूर्नामेंट स्टार्ट हो सकते हैं, कब सेफ है करने को, क्योंकि अभी तक केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो अभी तो कोई चांस नहीं स्टार्ट होने का। तो बाकी ऑनेस्टली बताऊं तो फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं डाल सकता, क्योंकि अभी चाहे गोल्फ कोर्सेस खुल गए, मैं पर्सनली अभी तक मैंने जाना शुरू नहीं किया, कईयों ने जाना शुरू कर दिया, मैंने पर्सनली शुरू नहीं किया क्योंकि अभी बिकॉज मैं मॉम के साथ रहता हूँ, अगर मैं किसी को कहीं पे मिल गया कोई चांस हो, आई एम श्योर मेरी बॉडी के ज्यादा चांसेस थे रिकवर करने के देन माय मदर। एंड तो अभी आई थिंक थोड़ा सा अगर ये कंटेजियस कम हो जाए या थोड़े कम लोग केसेस आने लग जाए तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा एक बार और। अभी मेरे ऑनेस्टली कोई गोल्स नहीं है, कि अभी कोई प्लान ही नहीं आगे कि कब स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है। गोल्फ के अलावा अगर आपको अपॉर्चुनिटी सी फ्यूचर में मिलती है कि क्या आप किसी और स्पोर्ट्स में जाना चाहोगे, वो कौन सा स्पोर्ट्स होगा, या आपको लगता है कि मैं गोल्फ में बेस्ट हूं, मैं मुझे गोल्फ में रहना चाहिए? किसी और स्पोर्ट में तो ऑनेस्टली मेरा कोई चांस नहीं रहेगा। बहुत लोग बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत साल से उस गेम में है ऑलरेडी, तो बट अगर कोई, मैं ऑनेस्टली गोल्फ छोड़ के नहीं जाना चाहूंगा, बट किसी रीजन की वजह से, अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा तो पता नहीं मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, ऑनेस्टली मेरे को कोई आईडिया नहीं है। अमित, कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, वहाँ पे पार्शियलिटी चलती है प्लेयर्स के साथ, स्पोर्ट्स पार्शियल है, किन बातों में पार्शियल है, क्योंकि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको कई बार ऐसा होता है जो जितना वो डिजर्व करते हैं उतना नहीं होता है, जो जिनको कुछ नहीं आता उनको आगे पार्शियल तो नहीं कह सकता, बहुत चीजें, यस लक परसेंटेज है, बट आई थिंक ये सब कवर अप हो जाता है बाय हार्ड वर्क। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुतों को नहीं मिलते रिजल्ट, बट आई गेस आप
उसको फाइट नहीं कर सकते। आप एक ही चीज कर सकते हो कि आप अपना 100% देते रहो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है बस। ऑनेस्टली आप बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उतने लेवल पे नहीं पहुंचे। बहुत लोग हैं जो मैं जानता हूँ कि नहीं मेहनत करते, बहुत ही कम मेहनत करते हैं और वो उनसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल है। सो इट्स पार्शियली लक फैक्टर है जरूर, बट वो भी आई थिंक अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप को ऑलमोस्ट, अगर आप हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये करना पड़ता है। गोल्फ के प्रति आपका काफी प्यार है, जैसे आपको गोल्फ बड़े आप डेडिकेशन से खेलते हो, वो लव हम देखना चाहेंगे। घर में क्या क्या आपके पास कलेक्शन है गोल्फ का, आपके जो मेडल्स हैं या कुछ है वो हम देखना चाहेंगे। मैं एक सेकंड आपको दिखा सकता हूँ, मेरे आधी ट्रॉफीज यहाँ, आधी नहीं ऑलमोस्ट, मैं इसको फ्लिप कैसे करता हूँ, फ्लिप नहीं हो सकता आई थिंक, मैं ऐसी दिखाता हूँ, ऐसी लाइट आई डोंट नो इसको लाइक कैसे करें, बट आपको ये कलेक्शन है नजर आ रहा है। हाँ जी ये, और बस मैं पटिंग के लिए यहाँ पे पटिंग प्रैक्टिस करता हूँ बस, और तो मैं इतना वो थोड़ा बहुत वर्कआउट जो है वो करके बस, और तो कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे। गोल्फ से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, गोल्फ से आगे फ्यूचर मतलब स्कोप क्या है आगे गोल्फ का, सिक्योरिटी है नहीं क्योंकि इंजरी का बहुत डर होता है एंड इंजरी के डर नहीं होता फ्यूचर, एंड ऑब्वियसली इंडिया में एंडोर्समेंट्स बहुत कम मिलती है तो हर वीक ट्रैवल करना खेलना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जब तक एंडोर्समेंट नहीं है तो फिर तब तक उतना ही आपके हर उस पर बर्डन पड़ता है हर दिन हर टूर्नामेंट खेलने जाने के लिए। ओके तो जाते जाते आप अपने फैंस के लिए गोल्फ का स्टाइल दिखा दे जाइए अपने चाहने वालों के लिए। गोल्फ का क्या दिखा दे, स्टाइल दिखा दे जाइए तो गोल्फ जिस तरीके से आप खेलते हो। मैं आपको मैं पटिंग करके दिखा सकता हूँ, आप पता नहीं देख पाओगे नहीं देख पाओगे। बस यही होती है मेरी हर दिन की पटिंग प्रैक्टिस। ओके That's nice. तो ये थे मेरे साथ गोल्फर अंगद सीमा जिन्होंने लॉकडाउन के बारे में तो बात की, साथ ही अपने गोल्फ की जर्नी के बारे में बताया। तो बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच अंगद। थैंक यू थैंक यू।